हमारे साथ इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं, बात करेंगे। राजू जी, जिस प्रकार से जगदानंद सिंह ने बयान दिया है, बयान में उन्होंने कहा है जो आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो टिक्का लगाने वाले लोग हैं, उन्होंने ही देश को गुलाम बनाया था, कितना सही मानते हैं इसको? अरे नहीं नहीं, इसको सही मानना नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उनको इलाज कराने की आवश्यकता है। और उस सनातन के बारे में टिप्पणी करके सनातन को सर्टिफिकेट देने वाले उनकी कोई हैसियत नहीं है वो सनातन पे। अरे उनसे पूछ के कोई टीका लगाएगा? उनसे पूछ के कोई चंदन लगाएगा? अरे सनातन की अपनी संस्कृति रही है, सनातन क्या सिखाता है उनको शायद पता नहीं है। इतने बड़े नेता हैं, हम तो समझते हैं कि ये इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, लेकिन अब तो लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति बुढ़ापे के साथ साथ वो भी गड़बड़ हो गई है। तो निश्चित रूप से बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनको उनसे पूछ के कोई टीका नहीं लगाया, उनसे पूछ के कोई चंदन नहीं लगाया। राजू जी, क्या आरजेडी अपने वोट को, जो वोट बैंक रहा है शुरू से, उसको खुश करने के लिए इस तरह के बयानबाजी दी जा रही है, या फिर नाम जो आया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत इस तरह से करके निमंत्रण पत्र जो दिया गया है तमाम लोगों को, उसकी उसको लेकर के इन लोगों का तंज है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो आया है भारत, ये तो स्वागत योग्य है। भारत पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं जहां कहीं इंडिया लिखे कहीं भारत लिखे, ये तो अब सराहनीय है, स्वागत योग्य कदम है। रही बात इन लोगों को, देखिए ये जो तथा कथित इंडिया रख नाम रख लेने से जो गठबंधन बना है, कभी देखिए स्टालिन के बेटे का बयान देख लीजिए, मलेरिया से तुलना सनातन को करते हैं। अभी डी राजा एक है, उनका बयान आया है, एड्स और कैंसर की तुलना करते हैं उसी क्रम में ये भी। अरे इनका वजूद खत्म हो जाएगा, ये जिस जहां जो ये छेड़े हैं इनका वजूद खत्म, ये जो सोच रहे हैं कि इनका समीकरण है, इनका समीकरण तार तार हो जाएगा। कहीं ना कहीं लगा, अगर वो आरजेडी का जो वोट बैंक शुरू से रहा है उनको खुश करने की कोशिश तो की गई है ना, क्या कहेंगे? देखिए, आरजेडी के वोट बैंक खुश करने के लिए क्या, आरजेडी के वोट बैंक में बहुत सारे लोग हैं जो टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। अरे इनका वजूद खत्म हो जाएगा इस तरह के बयान में, ये आग में अंगुली डालने का काम किए हैं लोग, ये लोग इसका असर उनको पता चल जाएगा, इनको कभी इसका असर पता चलेगा तब पता चलेगा। ये लोग सीधे आग में अपना हाथ डाले हैं और जलना तय है। क्या क्या पागलपन वाला बयान है? क्या टीका लगाना जो है, मतलब टीका लगाने वाले जो लोग हैं वो मतलब सेकुलर नहीं होते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, देखिए हिंदुस्तान आज से कोई टीका लगाता है, हमारी वैदिक संस्कृति रही है, हमारी सनातन की संस्कृति रही है चंदन लगाना, टीका लगाना, और हम लोगों की संस्कृति है, हम सनातन की संस्कृति है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये कहाँ है? ये सनातन संस्कृति पे उंगली उठाने वाले लोग, ये कहाँ, इनका वजूद समाप्त हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। और ये निश्चित रूप से पार्टी मेरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इनको तत्काल इनको किसी डॉक्टर से इलाज कराने की आवश्यकता है। ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, बिहार राज अपराध से करा रहा है, अपराध चरम पे है, जंगल राज पार्ट टू शुरू हो गया, इनको बिहार में कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है? सत्तारूढ़ दल के आरजेडी के प्रेसिडेंट हैं, बेरोजगारों की हालत चरम पे है, इस पे ध्यान इनका नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पे, इस पे ध्यान नहीं है, दिन दहाड़े पटना जैसे शहर में अपराध चरम पे है, इस पे ध्यान नहीं है। ये देखिए, ये निश्चित रूप से किसी एक को खुश करने के लिए, अरे पता चलेगा इनको आने वाले समय में। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कड़े शब्दों में निंदा करती है और इनको सलाह देती है, पार्टी ये जा करके किसी डॉक्टर के यहाँ भर्ती होकर के बजाते इलाज कराने की आवश्यकता है। तो मतलब इस तरह के बयानों से लोगों के लिए क्या आप लोग का मैसेज है? नहीं, लोगों को मैसेज देने की आवश्यकता नहीं है, भारत के लोग, सनातन के लोग, सनातन के मानने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं, और इस तरह के बयान निश्चित ओछी बयान है, ओछापन है इस बयान में। उन्होंने एक बात और कहा राजू जी, उन्होंने कहा है जो बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं उनकी मनसा देश को स्वतंत्र करने की कभी नहीं रही है। नहीं देखिए, बीजेपी आरएसएस के लोगों की मनसा क्या है इस पे हम नहीं जानना चाहते हैं, ये सीधे टीका लगाने, चंदन लगाने इस पे बोले हैं, ये कोई आरएसएस का एजेंडा नहीं है टीका लगाना, कहीं बीजेपी का एजेंडा नहीं है टीका लगाना। टीका लगाना भारत की वैदिक परंपरा है, भारत में वेद और पुराण और ये सनातन की धरती है, यहाँ किसी की हैसियत नहीं है कि अंगुली उठा दे टीका पर और चंदन पर।
ये उठाने का काम किया है, ये स्वयं उसमें जल के खाक हो जाएंगे, ऐसे लोग ज्ञानवीर लोग। चलिए तो हमारे साथ राजू तिवारी जी थे, क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपने सुना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अपना राय जरूर रखिए। राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।